नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ योगेश राणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चाहते हैं कि हिंदू महिलाएं बुर्का पहने और अपने बदन के किसी भी हिस्से को इंच भर भी ना दिखाए। उन्होंने अपने कॉलेज के जमाने का एक किस्सा सुनाया है जिससे लगता है कि वे हिंदू महिलाओं और लड़कियों के पहनावे को लेकर बहुत नाराज है। उनके इस किस्से से लगता है कि उनका बस चले तो आज ही तुरंत वह हिंदू महिलाओं और लड़कियों को बुर्का पहना दे। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में एक महिला की फटी जींस को देखकर एक लंबा भाषण दे दिया। उन्होंने देहरादून में एक कार्यक्रम में कहा, आजकल की आप सुन लीजिए उनका भाषण, में जो का तो पढ़ देता हूं। आजकल महिलाएं भी फटी जींस पहनती है, उनके घुटने दिखते हैं, ये कैसे संस्कार है? ये संस्कार कहां से आ रहे हैं? इससे बच्चे क्या सीख रहे हैं और महिलाएं आखिर समाज को क्या संदेश देना चाहती है? फटी जींस हमारे समाज के टूटने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इससे हम बच्चों को बुरे उदाहरण दे रहे हैं जो उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन की ओर ले जाते हैं। अब हम अपने बच्चों को कैंची से संस्कार दे रहे हैं। सीएम साहब यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, फटी जींस पहनना, घुटने दिखाना, ये सब कहां से आ रहा है? ये घर से आ रहा है। इसमें शिक्षकों या स्कूल की क्या गलती है? मैं अपने बेटे को घुटने से फटी जींस में कहां ले जा रहा हूं? अपने घुटने दिखाने में लड़कियां भी कम नहीं है, क्या यह सही है? हम ये सब पश्चिमीकरण की पागल दौड़ में कर रहे हैं, जबकि पश्चिमी दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है, अपना शरीर ढककर योग कर रही है। हालांकि यह अलग बात है कि खुद रामदेव, जो कि आज योग के लिए सबसे बड़ा नाम बन गए हैं, योग को उघड़े बदन से ही करते हैं। कई बार तो वे अपनी धोती को ही छोटा सा लंगोट बना लेते हैं। कई लोगों को इंतजार हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत एक दिन पतंजलि जाएंगे और योग गुरु रामदेव से कहेंगे कि बाबा ये बदन को दिखाना बंद कर दीजिए, इससे गलत संस्कार ट्रांसफर हो रहे हैं। वैसे अमिताभ बच्चन की नातिन दिव्या ने सोशल मीडिया पर लिखा है, हमारे कपड़ों को बदलने से पहले आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। दिव्या ने तीरथ सिंह रावत की भाषा में जिसे फटी जींस कहा जाता है, जिसे वो फटी जींस कह रहे हैं, उसको पहनकर एक फोटो भी शेयर की है। हालांकि तीरथ सिंह रावत का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, ये संसद तक में आज उठा है और इससे पहले भी तीरथ सिंह रावत इस तरह के एक दो बयान दे चुके हैं। नए नए बने मुख्यमंत्री थोड़ा संभल कर बोल ले तो क्या चला जाएगा? हर खबर के कई चेहरे होते, सही चेहरे की पहचान जरूरी है। नमस्कार, फिर मिलते एक और रिपोर्ट के साथ।